युग नाम युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा रास हरि भगवान की श्री प्रभुपाद की भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की जय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान परम दयालु श्री श्री राधा रास बिहारी के अपार कृपा से पति तपावन गौर निताय और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान और श्री प्रभुपाद और वैष्णव की कृपा से आप सब भाग्यशाली भगवत प्रेमी भक्तों को जाता हुआ 2023 नए वर्ष के शुभारंभ में इस अंग्रेजी दिसंबर के महीने में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन जैसे प्रेमी भक्त के माध्यम से हम सब सुधीर बुद्धिमान भारतवर्ष में भाग्यशाली जन्म लेने वाले मानव मात्र के लिए ये एक अनुपम उपहार इस महीने में आप सब उत्साह के साथ जन कल्याण के लिए मानव मात्र के भले के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं की वाणी भगवद गीता को स्वयं दर्शन कर रहे हो अध्ययन कर रहे हो वितरण कर रहे हो ये श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता का सबसे शक्तिशाली साधन है और यश प्रसादा भगवत प्रसादों। जब ऐसे महान वैष्णव
प्रसन्न होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और माधव भगवान का नाम है, राधा माधव। माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को, लक्ष्मीपति भगवान। राधा नाथ भगवान जिसकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, वो माधव लक्ष्मीपति, ऐसे भाग्यशाली भक्तों का सदा ही भंडार भरा रखता है जो उदारता से भगवान की शिक्षा का, भगवान के संदेश का अपने जीवन में उतारते हैं। वैसे भगवद गीता में बहुत से उपदेश हैं भगवान श्री कृष्ण के, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, पूजा प्रतिष्ठा भी है, परंतु आदेश एक है। अनेक उपदेश है, आदेश भगवान का एक ही है भगवद गीता में। अनेक उपदेशों के उपरांत भी एक ही आदेश है, भव मद भक्तो, आप मेरे भक्त बनो। अच्छी तरह से भगवद गीता का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि ज्ञानियों को बहुत जन्म लगते हैं भगवान को जानने के लिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के ज्ञान के अर्जन करने के उपरांत श्री कृष्ण वासुदेव जो सर्वत्र बसते हैं उसको जान लेगा। बहुत जन्म लगते हैं ज्ञानियों को, योगियों के लिए भी भगवद गीता के छठे अध्याय में है, अनेक जन्म संग सिद्धिम, अनेक जन्मों के बाद पूर्ण उसको सफलता मिलती है, तब जाके वो भगवान के शरण में आश्रय लेके भक्ति करता है। तो ज्ञानियों को भी बहुत जन्म लेने पड़ते हैं गीता के दर्शन के अनुसार, योगियों को भी बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मियों का तो नाम भी नहीं है क्योंकि उनको तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। कर्म की तो परिभाषा ही है गीता में, भूत भाव उद्भव करव कर कर्म संजित, जिससे एक नया शरीर लेना मजबूरी हो जाए उसको कर्म कहते हैं। क्यों, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, फल मिले भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। तो कर्मियों को तो विचारों को जन्म लेना ही पड़ेगा, उनके लिए तो मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। ज्ञानियों को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, योगियों को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। और 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के लिए कहते हैं, समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि निचरात पार्थ मय्यावेशित चेतसं। जिसका मन मुझ में, जिसका चित्त मुझ में लगा है उसको समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामि निचरात, बहुत समय नहीं, तत्काल अभी इसी जन्म में मैं भव सागर से स्वयं आके पार करूंगा। अब देखो गीता के दर्शन से बहुत साफ स्पष्ट समझ में आ गया, एकमात्र भक्ति भगवान को आकर्षण करती है और बिना देर के भगवान भक्ति के रास्ते के ऊपर चलने वाले को मृत्यु संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से, दुख से, संकट से पार ले जाते हैं। अन्य साधनों में बहुत जन्म लगते हैं, ये बात तो गीता में बहुत स्पष्ट है। इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके बहुत ही
स्पष्ट शब्दों में कहा है, मेरे भक्त बनो, भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो। क्योंकि भक्त की रक्षा करना, भक्त का संरक्षण करना, जैसे मैं अर्जुन का सारथी बनके उसको सब संकटों से उबार के विजयी बनाया, ऐसे मैं आप सब भक्तों का भी सारथी बनने को तैयार हूँ। भगवान वास्तव में हम सबके सारथी बनने को तैयार है। अर्जुन ने क्या किया था वैसे अगर हम करेंगे तो भगवान हमारे सारथी बन जाएंगे। ऐसे इस शरीर को रथ कहा गया है शास्त्र में। ये शरीर रथ है, ये हमारी इंद्रियां हैं, जो आंख नाक है, हाथ पांव है, ये घोड़े हैं जिसके माध्यम से ये शरीर चलता है। मन इस शरीर में लगाम है और बुद्धि इस शरीर का सारथी है, ड्राइवर है। और हम आत्मा जो स्वयं है वो इसमें यात्री है, मुसाफिर है। अब ये है, अगर हमारा रथ है शरीर तो इसमें आत्मा हमारा यात्री है, वो तो बैठा है ऊपर अर्जुन की जगह पे। इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, वो तो आंख नाक हमारे काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। मन लगाम है, ये किसके हाथ में है, और हमारी बुद्धि में कौन बैठा है जो सारथी है। इसलिए गीता में केवल भक्त बनने के लिए दो चीजें भगवान ने मांगी है। भगवान ने धन नहीं मांगा है, भगवान ने आपसे घर जायदाद नहीं मांगी है, भगवान ने वो चीज आपसे मांगी है जो आपकी परेशानी का कारण है, मन, जो चिंताओं का कारण है, जो समस्याओं का कारण है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाने वाला मन है, वो भगवान ने कहा मेरे हाथ में दे दो। मय्येव मनाधस्त्वा, तेरा मन मेरे हाथ में दे दो। इसी को हमारे संतों ने गाया है, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। मेरी डोरी का मतलब मेरा मन भगवान हम आपके हाथ में देते हैं। तो हम अपना मन भगवान के हाथ में दें। आप देख लो दुनिया में किसी को आप अपना मन दो, कोई नहीं लेगा, कोई आपके मन को लेने वाला नहीं है दुनिया में। न रिश्तेदार लेगा, न नातेदार लेगा, न परिवार लगा वाला लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि परेशानी का कारण है, कौन लेगा। एक भोला भगवान है कहता है मन में ले लेता हूं आपका, मेरे को दे दो। तो भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, मन मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, तो भगवान को मन अर्पण कर दो। मन अर्पण, कोई मन ऐसा तो है नहीं कि गुलाब का फूल है या सेब है कि भगवान के चरणों में मन रख के आए। मन का जो काम है वो भगवान की सेवा में लगाना है। मन का काम है चिंतन करना, इसलिए मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेंटल कल्चर कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या है, हमारे मन का कृष्ण भावना का जो है वो स्वभाव क्या होना चाहिए। बोला भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की और वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करना। मन भगवान में कैसे लगाएंगे, भगवान को मन कैसे देंगे, भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला का चिंतन करो मन से, और वृंदावन की लीला का चिंतन करो। तो कुरुक्षेत्र की लीला भगवान की क्या है, भगवद गीता। भगवद गीता भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला है, और वृंदावन की लीला क्या है, श्रीमद् भागवत। ये दो शास्त्र अगर आपके जीवन में हैं, इसका आप अध्ययन करते हो और ये आपके साथ हैं, तो भगवान की वाणी और भगवान का विग्रह, भागवत भगवान का स्वरूप है, भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है, पूरा विग्रह है, और गीता भगवान की वाणी है, भगवान
का विग्रह और वाणी में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। और ये दो जिसके जीवन में है, इन दोनों का जो निरंतर सुमरण करता है, चिंतन करता है, अध्ययन करता है, वो वास्तव में अपने भले का काम कर रहा है दुनिया में। वही वास्तव में हमारा स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ मतलब आत्मा का स्वार्थ है गीता और भागवत का जीवन में अनुशीलन करना। शरीर के लिए तो बहुत से स्वार्थ है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, ये शरीर का स्वार्थ है। और ये शरीर सदा नहीं रहेगा तो ये भी सदा नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा तो सदा रहने वाली है, उसका स्वार्थ है गीता और भागवत। ये व्यास देव ने कहा है, व्यास देव ने कहा है कि ये सब लोग माया के जाल में फंस के अपना अनर्थ कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को नहीं समझ रहे, इसलिए ये बेचारे अनजान हैं। मैं तो अनजान नहीं हूं ना, इसलिए मैंने इनके लिए भागवत को प्रकाशित किया है, उसको ये मात्र सुनेंगे तो ये अपने स्वार्थ को समझ जाएंगे, ये अनर्थ से बच जाएंगे। तो वास्तव में इस दुनिया में सब लोग अनर्थ ही कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के लिए काम कर रहे हैं, कोई आत्मा के लिए काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं, शहर में चलते हैं, जागे हुए चलते हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर क्यों गा रहे हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, हे जीव जागो, ये जीव जागो, ऐसे क्यों कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर? क्या लोग सोए हुए? नहीं, लोग तो दिन रात जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु आत्मा के चिंतन के विषय में सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, अविद्या के गोद में सोए हुए हैं। और दुनिया में जो दुख है, दुख क्यों आता है? पाप के कारण आता है। पाप करेंगे तो उसका फल है दुख। पाप क्यों करेंगे? क्योंकि पाप करने की इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है। पाप करने की इच्छाएं मन में क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि अज्ञान और अविद्या है। हमारे को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। आत्म तत्व के ज्ञान को न होने के कारण अविद्या है, और अविद्या के कारण भौतिक इच्छाएं हैं, और भौतिक इच्छाओं के कारण पाप है, और पाप के कारण दुख है। यह है दुख की परंपरा। अब इसका बहुत सरल और साधन उपाय, सरल और श्रेष्ठ साधन है, अविद्या को ही नाश कर दो। जो जड़ है, जिसके कारण सब कुछ पाप दुख मिल रहा है, उसको नाश कर लो। तो अविद्या को नाश कैसे करेंगे? ज्ञानेन आवृतम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतव। गीता में भगवान कहते हैं, जीव तो सच्चित आनंद है, ज्ञान का सागर है जीव, परंतु इस वक्त अज्ञान ने उसके ज्ञान को ढक दिया है, इसके लिए वो जंतव बन गया है। जंतव का मतलब पशु बुद्धि वाला हो गया है। पशु क्या है? पशु बुद्धि क्या है? खाना कहाँ है? खाना कहाँ मिलेगा? ये है पशु बुद्धि। सोना कहाँ है? ये है पशु बुद्धि। और सती मती क्या है? भागवत में सती मती मुकंदे, मुक्ति दाता भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसकी बुद्धि, मती शब्द जो है, ये इलेक्शन में आप जब वोट डालते हैं तो उसको बोलते हैं मतदान करना। मतदान करना मतलब किसको आप चुनते हो। ऐसे हमारी बुद्धि किसको चुनती है उसको कहते हैं मती। जो बुद्धि भगवान को चुने वो सती मती। किसकी बुद्धि ने भगवान को चुना है? देखो, गायत्री मंत्र बहुत भारत वर्ष के वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र बहुत
संध्या काल के जप करने का मंत्र अनादि काल से चला आ रहा है, उसमें हम कहते क्या है, वरेण्यम धीमहि। वरेण्यम धीमहि का मतलब हमारी बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, वरेण्यम का मतलब वर्ण करे। जैसे कन्या विवाह में पति का वर्ण करती है, वर का वर्ण करती है, ऐसे हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। ये है गायत्री मंत्र का सार, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। ऐसी बुद्धि जो भगवान का वर्ण करती है वो सतीमती है। और ये भगवान कहते हैं मन मेरे को दो और बुद्धि भी मुझे बुद्धि में बिठाओ। भगवान ये दूसरी चीज हमसे मांगते हैं, मई एवं मन आदर्श मई बुद्धिम निवेश है। यह निवास किसको कहते हैं, घर को कहते हैं निवास, ये किसका निवास है। भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि में मुझे निवास कराओ, आपकी बुद्धि मेरा घर बनाओ। अब देखो एक अर्जुन ऐसा है जिसने अपने सारथी की जगह पे कृष्ण को बिठाया है, इसका मतलब अर्जुन ने बुद्धि में कृष्ण को बिठाया, बुद्धि सारथी है ना, तो सारथी की जगह अर्जुन ने कृष्ण को बिठाया। भीष्म पितामह ऐसे भागवत में महाभागवत पुरुष है जो कहते हैं श्री कृष्ण ये मेरी मति जो है ना इसको आप वर्ण कर लो, इसको आप ले लो, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, ये मेरी मति श्री कृष्ण आप इसको ले लो। कैसी है मति, वितृष्णा, इसमें कोई संसार की भोग की इच्छा है नहीं, ये कुंवारी कन्या है मेरी। भीष्म देव कहते हैं मेरी बुद्धि जो है वो कुंवारी कन्या है, इसमें कोई संसार का भोग वासना का विचार नहीं है, आप श्री कृष्ण इसको स्वीकार करो। फिर भीष्म देव का भाव थोड़ा और गाढ़ होता है, कहते मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा तो संतान भी नहीं है, ये मेरी कन्या रूपी बुद्धि मैं आपको अर्पण तो कर रहा हूं, अच्छा है कि जिस पिता का पुत्र नहीं होता मात्र पुत्री हो तो जिसके साथ विवाह करे उसी को अपने घर में बिठा दे, घर घर का जमाई बना दे, भाई घर का जमाई बना दे ना, तो श्री कृष्ण आप ऐसे करो मेरी बुद्धि में आके बैठ जाओ, मेरे घर मेरे घर जमाई बन जाओ। ये है भीष्म देव का भाव कि आप मेरी बुद्धि में आके बैठ जाओ। अब देखो दो उदाहरण आपको दिए, एक तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि में भगवान को बिठाया, एक भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को मैं अर भगवान को बिठाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये दो अमर है भारत की संस्कृति में, कहीं भी नाम आएगा तो अर्जुन का नाम भी आएगा, भीष्म का नाम भी आएगा, क्योंकि इन्होंने मन और बुद्धि भगवान को अर्पण किए। और गीता का बहुत सरल संदेश ये है कि हम अपना मन भगवान के चिंतन में लगाएं और हमारी बुद्धि में भगवान को बिठाएं। इसके लिए एक सिद्धांत है जिसको आपको समझना चाहिए, दो प्रकार के मांगना होता है, दो प्रकार का मांगना होता है, एक होता है भगवान से मांगना, एक होता है भगवान को मांगना। दुनिया में भगवान से मांगने वाले तो अनंत हैं, बेअंत हैं, सभी जो मंदिर में आते हैं आप कभी उनसे पूछेंगे तो सभी भगवान से मांगने आते हैं, सभी भगवान से मांगने आते हैं, भगवान को मांगने कोई नहीं आता। अर्जुन की विशेषता ये थी कि जब वो महाराज युधिष्ठिर के परामर्श के ऊपर, सलाह के ऊपर कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका गए कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले,
तो उससे पहले दुर्योधन पहुंच गया था और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। उन्होंने अपने सोफे में अपने पलंग के उल्टे हाथ के तरफ सोफा रखा था, उस पर दुर्योधन आके बैठ गए सर के पास। दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा के साथ ब्याही हुई है, इसलिए वो संबंध ये भगवान के कक्ष में जा सकता है। और जाके बैठ गया और भगवान आंखें बंद करके सोने का लीला कर रहे थे। अर्जुन भी आया लेकिन दुर्योधन के बाद में पहुंचा और वो भी भगवान के कक्ष में जाने का अधिकारी था, क्योंकि भगवान के बुआ का लड़का भी था, कुंती का बेटा है और भगवान का सुभद्रा पति है, भगवान का बहनोई भी है, वो भी भगवान के कक्ष में जाने का अधिकारी था। लेकिन वो कहाँ जाके बैठा? भगवान के चरणों में बैठा, पलंग में भगवान के जहाँ चरण थे वहां जाकर बैठा। अब भगवान ने अपनी नींद की लीला को समाप्त करते हुए आंखें खोली तो पहले कौन दिखाई देगा? अर्जुन दिखाई। अरे पार्थ कैसे आए? उस समय दुर्योधन ने कहा, हे द्वारकाधीश, पहले मैं आया। तो भगवान तो अभी सोए सोए थे, तो अगर अपने वाम भाग में किसी को देखना होगा तो कैसे देखेंगे? टेढ़ी आंख से देखा ना, टेढ़ी आंख से देखा। ओ युवराज दुर्योधन, आप भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत। युद्ध का निर्णय तो यही हो गया, जो चरणों में बैठा उसको सीधी नजर से देखा, जो सर के पास बैठा उसको टेढ़ी नजर से देखा। भगवान जिसको टेढ़ी नजर से देखते हैं उसका तो तीन तप्पड़ पूरा, और जो सीधा देखते हैं वो सफलता पाता है। ये तो सीधी बात है। हमारे मंदिर में रास बिहारी में भगवान रास बिहारी सीधा किसको देखते हैं? प्रभुपाद को। देखा सामने बैठा है, उनकी सीधी दृष्टि प्रभुपाद के पास है। इसलिए जो प्रभुपाद के पास में खड़ा होगा वो रास बिहारी को पहले दिखाई देगा, जो आगे घुसड़ मुसड़ करके फंसेगा ना वो टेढ़ी आंख से देखना पड़ेगा भगवान को। इसलिए अच्छा है प्रभुपाद के पास खड़े होके दर्शन करोगे तो बहुत ज्यादा भगवान की कृपा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि भगवान अपने भक्त को देखते हैं और जो भक्त के पास होते हैं उसी का कल्याण होता है। गजेंद्र का जब ग्रह ने मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया था और गजेंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए और पहले मगरमच्छ का गर्दन काटा और मगरमच्छ के शरीर से वो गंधर्व हू अपने स्वरूप में आके दिखाई देने लगा। तो गजेंद्र ने कहा, भगवान संकट में मैं था, प्रार्थना मैंने की लेकिन उधार तो इसका पहले हो गया। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उसका पहले उधार मैं करता हूं। आप मेरे भक्त हैं, आपका जो पांव उसने पकड़ा है ना तो उसका उधार तो पहले होना चाहिए ना। तो ऐसे जो भगवान के भक्तों के निकट होते हैं वो भगवान को पहले दिखाई देते हैं। सो दोनों से पूछा, आप कैसे पधारे? दोनों ने एक स्वर में कहा कि युद्ध तो कौरवों पांडवों में अनिवार्य है, अवश्य होगा, हम आपसे सहायता लेने के लिए आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ यदुवंश की चतुरंगनी सेना है, रथ हाथी घोड़े प्यादल और कृतवर्मा उसका सेनापति है,
देखा मैंने पहले अर्जुन को है और अर्जुन छोटा है, इसलिए पहले मांगने का अधिकार अर्जुन का है। दोनों में से जो अर्जुन को चाहिए वो चुन ले। अब अर्जुन भगवान को चुनता है, भगवान से नहीं मांगता। उसने कहा श्री कृष्ण मैं आपको चुनता हूं, भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, हस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सेना छोड़ रहे, लड़ाई में सेना चाहिए ना। बोला नहीं मैं आपको चुनता हूं, जहां आप होंगे वहां विजय होगी। और यही गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धत तत्र श्री विजयो धृते भूते मतिर मम। जहां श्री कृष्ण होगा, जहां अर्जुन होगा, वहीं विजय होगी, वहीं नीति होगी, वहीं सफलता होगी। तो इसलिए हमको भगवान को चुनना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मंदिर में सब भगवान से मांगने वाले आते हैं, भगवान को मांगने वाला कोई नहीं आ रहा। भगवान को सेवा में लगाने के लिए आते हैं कि हमारी बेटी की शादी करा देना, बेटे का इम्तिहान पास करा देना, जमाई को नौकरी लगा देना, भगवान को सेवा में लगाने आते हैं। भगवान की सेवा में लगने के लिए कोई नहीं आता। भीड़ बहुत है मंदिरों में, लेकिन लोगों के चरित्र में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कथाएं भी बहुत हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन लोगों के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। विचारों में परिवर्तन होता तो जैसे फ्री की जियो की जब सिम बट रही थी ना, लोग देखा था लाइनों में कैसे खड़े होते थे, ऐसे दिसंबर में लाइन में खड़े होने चाहिए कि गीता हमको चाहिए। ये जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी, इतने हमारे पास पुस्तक छपे ही नहीं है जितने बॉम्बे में लोग रहते। कितने लोग हैं बॉम्बे में? हाँ जी, हाँ 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़, तो 50 लाख भी गीता नहीं छपी है और पूरे भारत के लिए छपी है। तो होना क्या चाहिए था? अगर भगवान को मांगने वाले होते तो पहले आके कहते भैया मेरे को गीता चाहिए, लाइन में खड़े हो गए, हमको नहीं कहना पड़ता। ये तो आपने कई बार बुद्धा सुना होगा ना, गाय के दूध वाला सर के ऊपर दूध का मटका उठा के गली गली में कहता है शुद्ध गाय का दूध ले लो, लोग कहते अरे शुद्ध है, पानी तो नहीं मिलाया है। और शराब के दुकान पे जंगले में लोग लाइन में खड़े होते हैं। बताओ लोगों की बुद्धि कहाँ काम कर रही है, क्या लोगों की सोच है? और वहां कोई नहीं पूछा है इसमें मिलावट है क्या, कोई पूछता है क्या इसमें मिलावट है क्या? वहां तो शुद्ध माल मिल रहा है और वहां लाइन में खड़े होके ले रहे हैं। और दूध के दुकान के ऊपर भी इसका पानी वाला है, इसका पता नहीं किसका। अब बताइए ये सोच है तो कहां, बताइए धर्म का प्रचार कहां हुआ? जितने लोग रोज मंदिर में आते हैं, एक व्यक्ति भी एक गीता ले जाता तो रोज के कम से कम 10,000 से ज्यादा गीताएं जानी चाहिए। कीमत क्या है गीता की, मैं वैसे पूछ रहा हूं, कितनी? 250 रुपया है, कितना है? 210 रुपया। 210 रुपया आपके महीने के फोन के रिचार्ज में लगता है, हर महीने लगता है। हाँ जी, इतना तो लगता ही है सबका के नहीं लगता, और हर महीने लगता है। और उसमें दुनिया से हेलो हेलो करते हो, अरे हेलो हेलो, पता है ये हेलो कौन था? जिसने पहले टेलीफोन बनाया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो। उसने जैसे वो फोन उठाया घर में पहले किया हेलो, उसने बोला पति देव, बोला फोन बन गया। अरे उसकी हेलो मर गई, तुम अभी हेलो के पीछे क्यों पड़े हो भाई? हेलो करने की क्या जरूरत?
हरि बोल बोल दिया करो फोन पे, सामने वाला कम से कम भगवान का नाम तो उच्चारण होगा। हरि हेलो छोड़ो, हरि बोलो, कम से कम भाषा तो अपनी बदलो। उसकी पत्नी के पीछे अभी तक क्यों पड़े थे बेचारे की, उसका नाम हेलो था। अरे बुद्धि हमारी कहाँ चली गई है, हरि बोल बोला करो, बहुत आसान है। तो 225 रुपया रिचार्ज हर महीने की हमारे को लेनी पड़ रही है और उससे दुनिया से बात करनी है, और एक बार में 210 रुपये में भगवान से बात करने वाला शास्त्र मिल रहा है, जिससे रोज भगवान से बात हो सकती है। फिर भी लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग, ये क्या धारणा है लोगों की, हमें समझ में 225 रुपये की वैल्यू क्या है आज के दिन। बच्चा भी लेने को कुछ नहीं है जी, 500 का नोट मांगता है कम से कम, 100 में वो भी राजी नहीं है, नहीं। और सबके पास मोबाइल है, और कोई मोबाइल 15,000 से कम का नहीं है, सबके पास है कि नहीं है। अरे वो जो भिखारी है ना, उसके पास मोबाइल है, किसी के घर में आया, बोला माताजी भोज रोटी, माताजी ने कहा तैयार नहीं है, बोला जब तैयार हो जाए तो मिस कॉल कर देना। तो माताजी और होशियार होती, बोला मैं अपलोड कर दूंगी, आप खा लेना। तो उनके पास भी मोबाइल है, वो भाषा भी ऐसे बोलते, मिस कॉल कर लेना, आ जाऊंगा। तो फोन जब रख सकता है हर व्यक्ति, एक भी नहीं दो दो है लोगों के पास, दो दो है। लेकिन एक गीता ऑफिस में हो, एक घर में हो, हर अच्छा घर के सब भाइयों का अपना अपना मोबाइल है, पत्नी का अलग है, पति का अलग है, बेटे का अलग है, बेटी का अलग है, ऐसे ना। और एक घर के लिए एक गीता नहीं, एक तो पहले पढ़िए। तो तुम तो 5 आदमी घर में हो ना, तो हर एक को अपनी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए ना, क्यों नहीं लोगों को ये। मैं कहता हूँ लोगों की गलती नहीं है, हमने शिक्षा नहीं दी, ये बचपन से उनको ऐसी शिक्षा दी होती कि आपको भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना है। जो एक बार भगवान को मांग लेता है, कहीं किसी के पास सामने हाथ टांगना ही नहीं पड़ता है। एक बार जिसने गीता को मां, प्रभुपाद जी कहा करते थे ये गीता सबसे बड़ी धरोहर है भारत की, और जिसके पास ये है दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लोग इसके चरणों में बैठ के सेवा करेंगे। और हम इसका प्रमाण अपना देते हैं कि हम दुनिया में कोई 8 महीने बाहर घूमते रहते हैं और आए दिन बाहर जाते हैं। गीता सिर्फ हमारे को बोलना आती है और गीता को उठा के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ जाते हैं लोग लेने आते हैं, लोग अपने घर में रुकवाते हैं, लोग भोजन खिलवाते हैं, लोग गाड़ी में लेके जाते हैं, रोज नई गाड़ी में चढ़ने के लिए सुबह एक गाड़ी शाम को दूसरी गाड़ी, किसी चीज की तकलीफ नहीं है। केवल गीता आपके पास है तो भगवान आपके पास है, भगवान आपके पास है तो प्रभुपाद ने कहा जब कृष्ण बैठा है तो लक्ष्मी तो बैठी है, और हनुमान जी बैठे हैं तो फिर आपको चिंता की क्या जरूरत है, गीता के ऊपर तो हनुमान भी बैठे हैं। तो जहाँ भगवान है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये शिक्षा क्यों नहीं लोगों के पास, उनके उत्तर क्यों नहीं रहे अंदर में, ये बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एक साल में एक गीता लेने में कौन सी आपत्ति है, किसी को दे दो गिफ्ट भाई। नया साल आ रहा है, आप इतना बड़ा चॉकलेट का पैकेट देते हो, वो भी 500 रुपये से कम का नहीं आ रहा है। मिठाई का डब्बा देते हो, वो भी 400 रुपये से कम नहीं आता है। हमने पूछा, पता लगाया उसको, वो गिफ्ट दे वो किसी के, भाई शादियाँ इतनी होती है, लाइन में जाते हो उनके घर में, आप मिठाई का डब्बा दे के आए, खा के कल फेंक देगा। आपने गीता दी तो कम से कम संभाल के तो रखेगा, आपकी तो गिफ्ट हो गई। अच्छी पैकिंग में करके दे, ये कल्चर क्यों नहीं आ रहा है। हम कहीं शादी में जाते हैं तो गीता का भेंट दे के आएंगे, भगवान का चित्र भेंट दे देंगे,
वो उनके जीवन में सफलता का जो है सफलता का जो है चिन्ह बन के रह जाएगा। और नहीं तो जो किस और चीजें दुनिया का दे दे, जग दे दिया, थर्मास दे दिया, कटोरा दे दिया, भिखारी बना रहे क्या उसको, भिखारी बनेगा कटोरा लेके। यही माल हमने देखा है देते हुए लेके। कोई चीज ऐसी दो जो उसको भगवान की याद दिलाए। तो अब मेरे ख्याल में समय हमारा 9 पूरा हो रहा है। अब मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, इन लोगों ने मेरे को यहाँ आके आते फंसा दिया। यहाँ कथा में लाने से पहले मेरे को ले गए गीता का वो तुला दान पे बिठा दिया। अब मैं मेरे बराबर की गीता है तो तोल के इनके रख दी। अब कम से कम 25 ऐसे संकीर्तन सेनानी संकीर्तन सैनिक चाहिए जो हर एक 10 गीताएं एक दिन में वितरण करके दिखाए। आपको लेनी नहीं है, आपको वितरण करके दिखानी है। और 250 से दो ऊपर है, 250 के लिए 25 आदमी चाहिए जो 10 गीताएं लें। और आप अपने जितने लोग जानते हो अपने ना, किसी को भी दोगे आपकी शक्ल से लेंगे, गीता को नहीं लेंगे, आपको ना नहीं कर पाएंगे, लेनी पड़ेगी उनको। और 10-10 गीताएं आप लोगे 25 आदमी, तो बाकी 2 बचेंगी मेरे लिए, वो मैं ले लूंगा। अब आप में से कौन ऐसा संकीर्तन का महासैनिक पहले 10 गीताएं वितरण करने का संकल्प करता है? 2-3-4 हाथ है बेटियों का, 6 हाथ, जय हरे कृष्ण। कौन लिखो भाई? एक वो मेरा जो नौजवान दो उधर है, अरे भाई पूरी लिखो भाई। मेरे को तो नहीं, तो मेरे को ये बंदी बना के बिठा दे, कल मेरे की फ्लाइट है। मेरे 25 तो चाहिए सैनिक जो वितरण करे। वितरण करनी है आपको, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप वितरण अपने हाथ से करोगे तो भगवान देखेगा मेरी गीता वितरण कर रहा है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और एक मेरे को मुक्त कर रहे हो इसलिए भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, और आपको अनुभव हो जाएगा गीता वितरण करने का। और कि अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, आप करोगे तो कोई यहाँ जाओगे लोग ले लेंगे। आप करके देखना ये प्रयास है। भाई कौन लिख रहा है? देखो भाई 25 आदमी पूरा करो, लिखो जो ले रहे हैं, 10-10 इनको दो, मेरे को मुक्त करो। भगवान श्री कृष्ण को भेज दिया था जी, सत्यभामा में भेज दिया था नारद को। अब वापस जब सबने कहा पति कहाँ से जाने देंगे, तो कहा कि जितना सोना है एक तरफ रखो, दूसरे तरफ कृष्ण रखो। और सब 16,100 रानियों का सोना रख दिया। कृष्ण भारी थे, नहीं तुले। रुक्मणी से पूछा गया क्या करना चाहिए, बोला कुछ नहीं, तुलसी का पत्ता रख दो, सब सोना अपना उठा के जाओ। जहाँ तुलसी का पत्ता रखा तो एक कृष्ण का पलड़ा ऊपर चला गया। तो भगवान तो तुलसी दल से चलो भल जल से अपने आप को बेच के दे देते हैं। आप भगवद गीता उसकी किसी को वितरण करो तो कृष्ण तो आपका हो ही जाएगा, वो तो तुलसी दल के बदले में मिल जाता है। तुलसी दल के बदले में अपने आप को बेच देते हैं जी। सो भाई कौन लिख रहा है पूरी? देखो भाई 25 पूरे हो जाए तो फिर प्रसाद खाओ और अपने घर जाओ, हरि के गुण गाओ। देखो मैंने भी 250 वितरण किए हैं अभी, ऐसे नहीं मैं आपको कह रहा हूं मैंने नहीं किए, मैंने किए आपको अभी। आप 10 करनी है, मेरे को 250 करनी थी जी। हाँ हो गई ना मेरी, कितनी हो गई बच्चा? 25 हुआ क्या? नहीं हाँ, देखो भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई
प्रश्न है, किसी का कुछ जिज्ञासा है। कितने हो गए जी? पांच। पांच तो यहाँ हाथ थे सिर्फ। चार बहुत अच्छा। और यहाँ नौजवान कितने हो गए? हिम्मत करो भाई। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ, प्रश्न क्या है बोलिए। बोले दर्शन करने से आपका कल्याण हो जाएगा, पढ़ने से तो भगवान मिल जाएगा, आप हाथ लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जिस ये उसको शास्त्र का लिखा लिखा है, जिस घर में वैष्णव शास्त्र होता है वहां भगवान विराजमान होते हैं। आपके घर में शास्त्र पड़ा है, वही भगवान बैठा हुआ है, आपके सारे संकट तो उसमें समाप्त हो गए। पढ़ोगे तो आत्मा का उद्धार होगा, नहीं पढ़ोगे तो भी भगवान की कृपा तो मिलेगी। कोई आप नहीं पढ़ोगे, आपका बेटा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना, लेकिन आपके घर में पढ़ा है तो भी भगवान की कृपा है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु जी, प्रश्न ये है कि पहले मैं शिव जी का मानते थे, शिव जी शंकर भगवान को मानते थे, बट अभी मैं कृष्ण जी को मानना शुरू किया, शंकर भगवान के वहाँ से मेरा मतलब एक तरह से बाइकट से जैसा हो गया। तो कुछ ऐसा तो नहीं मैं शंकर भगवान को मैं अनादर कर रहा हूँ, किसी और को मैं अनादर कर रहा हूँ? शंकर जी की कृपा से कृष्ण भगवान मिले हैं। जो कोई बिना किसी लोभ लालच के शंकर की पूजा करता है, शंकर उसको कृष्ण की भक्ति देते हैं। तो आपके ऊपर शंकर की कृपा हो गई। अब बताइए, पांचवी दर्जे क्लास पास किया, फिर पांचवी के टीचर को छोड़ के आप छठी में गए, तो पांचवी का टीचर नाराज हो गया क्या? नहीं ना, आप तो छठी तक पहुंचा दिया ना उसने, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? उसने आपको आगे बढ़ा दिया, कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। अब जब भी जाओ शंकर जी को प्रणाम करके कहो, आपने बड़ी कृपा की, आपने आपके आराध्य कृष्ण की मुझे भक्ति दे दी, आप बड़े दयालु हो, बस हो गया। वो खुश हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं उसकी कृपा से मिली है भक्ति। तुलसी माला का धारण भी करो, जाप भी करो, दोनों कर लो, अच्छा काम है ये। तो धारण करनी ही चाहिए, तुलसी करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए जी। तुलसी गले में धारण की हुई है तो जमदूत नजदीक नहीं आते हैं, उस पड़ोस में भी नहीं आते, दूर से भाग जाते हैं। अगर सपोज गले में हमने कंठी नहीं लिए तो तुलसी का माला का जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, नहीं। हरे कृष्ण। बोला हाँ बिजनेस करते हैं हम हरि नाम का। बोला हमने दुकान खोला है, हरि नाम का हट खोला हुआ है, हम भी बिजनेस करते हैं, भगवान का नाम का हट खोला हुआ है, ये बिजनेस भगवान के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, ये भी हमारा बिजनेस है, लेकिन इसमें हमारा स्वार्थ कुछ नहीं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, आपके भलाई के लिए करते हैं। भैया दुकान सार खोले हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए कर ले, दुकान बंद एक दिन हो जाते सारे दुखी होते हो कि नहीं होते हो? इसका मतलब जो दुकान खोल के बैठे हैं हमारे हित भले के लिए बैठे हैं ना, तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, बिजनेस करते हैं, हम नहीं करते ऐसा नहीं, हम करते हैं बिजनेस जी, लेकिन अपने लिए नहीं करते, आपके भले के लिए करते हैं। करें कि नहीं करें पूछ लो, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, करें कि बंद करें, बिजनेस करते हैं जी, बिल्कुल हम बिजनेस करते हैं। एक पुस्तक वितरण करने वाला पुस्तक वितरण करने में इतना मगन था, एक बड़े सेठ ने ऊपर से ठगा, ऐसा सेल्समैन मुझे मिल जाए तो मेरे बारे न्यारे हो जाए। उसको बोला तुम्हारे को कितनी तनख्वाह चाहिए, तो मेरे पास सेल्समैन बन जाओ। बोला नहीं, यह मैं भगवान के लिए वितरण कर रहा हूँ,
बोला इतना तुम्हारे को मिलता कुछ नहीं है, फिर इतना उत्साह कहाँ से आया? बोला ये ट्रांसेंडेंटल बिजनेस है, ये दिव्य जो है व्यवसाय है, इसमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है ये। बोला भगवत गीता में लिखा है, देखो ये मैं क्या करूं, लिखा है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय करना है बुद्धि से, भगवान को बुद्धि में बिठाना है। हम आपके भले के लिए कर रहे हैं बिजनेस, आप बोलो तो बंद कर दें, पूछ लो आप बोलो तो बंद कर देंगे हमें क्या। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो देखो, कुछ लोग होते हैं वो बेचारे अनजान और इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। कुछ लोग द्वेषी और नास्तिक होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं, सांप को दूध पिलाने का फायदा नहीं और विष बढ़ेगा, ऐसे लोगों को हरे कृष्णा चलो, उनके ऊपर समय ज़्यादा बिताना बेकार नहीं गंवाना चाहिए। जो वैष्णव निंदा करे, कान में उंगली डाल के वहाँ से दूर चला जाना चाहिए, उससे बहस करने का फायदा नहीं। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न? उसी को दे दिया करो, अच्छा है, ले ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो नमस्कार, उसमें क्या है? कोई बात नहीं, भगवान अगर उसने ले लिया तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो कहाँ रखेगा, वो भगवान उसको बुद्धि देगा। ऐसे प्रभुपाद ने जो दिया, वहाँ कोई ब्राह्मण देगा अमेरिका में जा, जिनको पुस्तक वितरण किए थे, वो तो सब ईसाई थे, मतलब कोई भी था, उसको किसी को भी दिया। इसी को प्रभुपाद कहते हैं समदृष्टि, कि मैंने गीता का प्रचार बिना किसी भेदभाव के स्त्री को पुरुष को काले को गोरे को सबको दिया, धर्म के कोई मजहब आप किसी को भी दो, वो क्या करेगा, उसको भगवान उसकी बुद्धि को ठीक करेगा, आपका काम नहीं है, आपको वितरण करना है। और अच्छा है बिना जाने उनको दे दिया, ये सबसे अच्छा काम किया। हम तो किसी का नाम देखते जाते ही नहीं है उसके पास, और आप रशियन को दे दो बुक, वो कोई भी सामने आएगा, हमने देखा कुंभ मेले में पुलिस वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, भाई कोई भी सामने आए हम देख, लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आए उसको देना चाहिए। और बहुत से ऐसे हैं जो समझदार हैं, वो लेना ले लेते हैं पढ़ने के लिए, भाई एक एक शास्त्र है उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है, इसमें ले ले कोई तो अच्छी बात है, वो कहाँ रखेगा इसकी चिंता आप मत करो, ले ले। एक रशियन भक्त था, पुस्तक वितरण कर रहा था, सामने एक शराब की नई बोतल खरीद के दुकान से बाहर आया, इसने कहा पुस्तक ले लो, बोला पैसे तो है ही नहीं, जितने थे ये बोतल ले ली, बोला अब क्या करें, बोला पुस्तक लेना है, लेना चाहिए, बोला लेने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, बोतल ले लो, बोला लाओ बोतल। उसने उसको पुस्तक दिया, उससे बोतल लिया, बोतल के बदले में पुस्तक दिया, और फिर बोतल ले जाके दुकान वाले को बेच के पैसा लेके आया। उसके पास आई वो तो इसका काय के लिए कहेगे बोतल, बोतल के बदले किताब तो उसने दे दिया, बोला किताब तो वितरण हो गया ना, बोतल बेच के पैसा ले लेंगे उसमें क्या। ये पुस्तक वितरण करने वालों के अपने अपने अनुभव हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, कहाँ तक पहुंची कथा भाई, प्रसाद खाने का टाइम हो गया है। हाँ 15 है तो 10 बार कल सुबह कोई बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, 15 हो गया तो 10 क्लास भागवती क्लास में पूरा करेंगे। वैसे यहाँ अभी और समझदार लोग हैं, ले सकते हैं प्रसाद खाने के बाद ले सकते हैं जी। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।